रिया चक्रवर्ती को आज दोहरी राहत मिली है। उन पर सुशांत की हत्या की साजिश तक के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का न कोई हत्यारा है और ना ही कोई हत्यारी। उनकी डेथ के लिए न कोई जादू जिम्मेदार था और ना ही किसी ने सुशांत की मौत के लिए टोना टोटका किया था। देश की नंबर एक जांच एजेंसी CBI ने कह दिया है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया, यानी इस केस में मर्डर का कोई एंगल है ही नहीं। सुशांत की मौत के 116 दिनों बाद उनकी डेथ वाली मिस्ट्री अब हिस्ट्री बन गई है। हालांकि अभी CBI इस केस में 306 के एंगल यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से आगे तफ्तीश जारी रखेगी। नफोज्ड एंट्री हुई, न कोई फाउल प्ले हुआ, न फाइनेंशियल गड़बड़ी मिली, न कोई कॉन्स्पिरेसी थी। सुशांत ने सुसाइड ही किया। करीब 2 महीने की जांच के बाद CBI भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत ने सुसाइड किया। साफ है कि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाद अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी CBI ने यह पाया है कि सुशांत ने सुसाइड ही किया था। इस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं बनती। CBI ने सुशांत केस में इस नतीजे पर पहुंचने के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की हर उस प्रक्रिया का पालन किया जो ऐसे ब्लाइंड केसेस सॉल्व करने में अपनाई जाती है। चूंकि सुशांत की मौत CBI को जांच मिलने से 66 दिन पहले ही हो चुकी थी, इस ब्लाइंड केस को सॉल्व करना CBI के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सुशांत की डेड बॉडी मौजूद नहीं थी, सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अधूरी थी। किसी भी केस में जब मरने वाले व्यक्ति का शव नहीं होता है, तब जांच एजेंसियां उस व्यक्ति ने आत्महत्या की है या फिर उसकी हत्या की गई है ये पता लगाने के लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला सरकमस्टेंशियल एविडेंस, दूसरा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट। सुशांत के केस को बड़ा चैलेंज मानते हुए CBI ने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके अपनाते हुए इस केस की जांच की। CBI ने सुशांत केस की जांच मुंबई में 20 अगस्त से शुरू की थी। इस दौरान CBI की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की, उनके बयान लिए। CBI की SIT सुशांत के घर गई, क्राइम सीन रिक्रिएट किया। CBI की SIT टीम माउंट ब्लैंक के सुशांत के फ्लैट पर 22 अगस्त को पहुंची थी। SIT ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था, कई सबूत भी जुटाए थे, लेकिन कई सवालों के जवाब बाकी रह गए थे। यही वजह है कि SIT की टीम वापस 5 सितंबर को सुशांत के फ्लैट पर पहुंची थी, दोबारा क्राइम सीन को रिक्रिएट कर पुराने सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई थी। इस दिन क्राइम सीन जब रिक्रिएट किया गया तो CBI को पक्का हो गया कि कोई भी फोर्स्ड एंट्री सुशांत के घर में नहीं थी। CBI ने पाया कि क्राइम सीन खुदकुशी के आइडिया के साथ फिट बैठता है। सुशांत के रूम में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं था। CBI को सुशांत की डेड बॉडी की तस्वीरों से और कमरे के हालात से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मारपीट या हाथापाई हुई। मुंबई की कलीना लैब ने शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट में जहर देने या बेहोश करने की बात नहीं लिखी थी, लेकिन इस बात को पक्का करने के लिए CBI ने देश के बेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के पैनल यानी एम्स से भी मदद ली। एम्स के एक्सपर्ट पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट में सुशांत की मौत को सुसाइड का क्लियर केस बताया। अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं कि बंबई के 5 डॉक्टरों ने उसको एग्जामिन की थी सुसाइड के बाद, उसके बाद एम्स के 7 डॉक्टरों ने उसको एग्जामिन करके जो भी रिपोर्ट थे उसको एग्जामिन करके रिपोर्ट दी है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम उनको क्या क्या जस्टिस दे सकते हैं। 14 जून को सुशांत के सुसाइड वाले दिन घर में मौजूद 4 लोगों को ही सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा था। अब जबकि CBI की जांच सुसाइड के कंक्लूजन पर पहुंच गई है तो सबसे ज्यादा राहत में सुशांत के एक्स स्टाफ हैं। देखो, मैं भी
लोगों को पहले यही सबको यही समझा रहा था कि सुसाइड है और ऐसा ऐसा कुछ नहीं। देखो हमें पता है सच क्या है कि नहीं। लोग इतने आवाज उठा रहे थे कि नीरज ये है, नीरज कातिल है, हमारे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे थे, है कि इसलिए देखो अपना अपने जो था बयान था हमने सीबीआई पुलिस सबको दे दिया, हमें उन पे भरोसा था, ठीक है, बाकी किसी पे हम पे भरोसा नहीं थे, दुनिया बोलने के लिए जो मर्जी बोलते रहे, समझ रहे हो आप, तो इसलिए बोला था हमें उनका आंख भरोसा करके हमने उन पे भरोसा कर लिया, जो उन्हें बोलना था हमने बोल दिया, ठीक है जी। करीब दो महीने की जांच में सीबीआई को न तो मर्डर के सबूत मिले और न ही उसका मोटिव मिला, क्योंकि अगर किसी का कत्ल हुआ है तो उसके पीछे का मकसद भी होना जरूरी है। मर्डर का केस साबित करने के लिए मोटिव का मौजूद होना बेहद जरूरी है। मर्डर के सबूत तलाशने के साथ साथ सीबीआई इसके मोटिव की भी तलाश कर रही थी, और अगर सुशांत ने सुसाइड किया तो उसकी भी वजह होना जरूरी है। इसके लिए सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दोबारा उसी फ्लैश पॉइंट पर पहुंची जहां से उसको जांच सौंपने की शुरुआत हुई थी। सीबीआई उसी एफआईआर की जांच कर रही है जो केस सुशांत के पिता ने जुलाई के महीने में पटना में दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत और मां संध्या चक्रवर्ती के अलावा दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और सैमुअल मिरांडा को सुशांत की खुदकुशी का आरोपी ठहराया था। सुशांत की फैमिली ने इन सबों पर सुशांत के 15 करोड़ हड़पने का इल्जाम लगाया था। सुशांत की फैमिली ने अबेटमेंट टू सुसाइड का मोटिव पैसा हड़पना बताया था। इस आरोप की सच्चाई तलाशने के लिए सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के तमाम बैंक ट्रांजैक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट किया। सुशांत के खातों से पिछले 5 वर्षों में हुए हर लेन देन की पड़ताल की गई। रिया चक्रवर्ती के बैंक खातों की डिटेल भी खंगाले गए। सीबीआई को इस दौरान कोई ऐसा लेन देन नहीं मिला जो रिया के नाम पर शाहखर्ची जाहिर करता हो, जिससे ये लगे कि सुशांत के पैसे के लिए उसका मर्डर कर दिया गया या फिर उसके पैसे हड़पने के बाद उन्हें ठेंगा दिखा दिया गया। हमारे पास सुशांत सिंह के खातों से पिछले 5 साल में हुए 5,000 रुपए तक के हर लेन देन की पूरी जानकारी है। इस लेन देन की मोटी मोटी बातें आपको बता देते हैं। सीबीआई ने सुशांत सिंह के कुल 5 बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट किया। इनमें से कुल 70 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला। सुशांत के मेन बैंक खाते कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक में थे। 2015 से 2020 के दौरान सुशांत के खातों में 55 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए और इस दौरान सुशांत के खातों से कुल 53 करोड़ रुपए डेबिट भी हुए। ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट डिटेल्स। ये पूरा उसका अकाउंट है, डिटेल्स अकाउंट के हैं। सबसे ये देखिए बड़ा खर्च है शौविक चक्रवर्ती के अकाउंट में, शौविक चक्रवर्ती के लिए कह सकते हैं, जो घूमने गए थे, ट्रिप पर गए थे और फ्लाइट के टिकट कराए थे शौविक के लिए सुशांत ने, वो 81,901 रुपये का है। इसके अलावा होटल का जो पेमेंट किया गया है शौविक के लिए, पेमेंट टूवर्ड शौविक होटल स्टे, ये है 4,72,925 रुपये का। ये पेमेंट शौविक के लिए किए गए हैं 2। इसके अलावा रिया एंड शौविक डीप फ्लाइट दिल्ली, ये 76,305 रुपये, ये 16/10 यानी 16 अक्टूबर का ये है पेमेंट। इसके अलावा जो रिया चक्रवर्ती के लिए खर्च किए गए हैं वो छोटे खर्च हैं, या वो स्पा में किए गए हैं, सलून के लिए किए गए हैं, या कपड़े खरीदने के लिए किए गए हैं। कोई बड़ा ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है। इसमें सबसे बड़ा एक ट्रांजेक्शन है वो है रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में 1,50,000 रुपये का। इस सुशांत के इन अकाउंट डिटेल्स से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत को बहला फुसला कर पैसे ऐंठने के जो इल्जाम सुशांत की फैमिली ने लगाए थे उनमें दम नहीं है। सुशांत के खातों की जांच से जो मोटी मोटी बातें सामने आई वो इस तरह है। सुशांत ने 2019 से 2020 के दौरान रिया और उनकी फैमिली पर कुल 55,00,000 रुपए खर्च किए। इनमें से 2 सबसे बड़े लेन देन 15 अक्टूबर को हुए थे। 15 अक्टूबर को सुशांत ने शौविक के होटल में ठहरने का भुगतान 4,72,000 रुपए का किया था। 15 अक्टूबर को ही सुशांत ने रिया और शौविक की यूरोप से दिल्ली की फ्लाइट के टिकट का पेमेंट किया था जो 4,34,828 रुपए का था।
14 नवंबर 2019 को सुशांत ने रिया के खाते में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। 13 जनवरी 2020 को सुशांत ने रिया के अकाउंट में 35,000 रुपए ट्रांसफर किए। 23 जनवरी 2020 को सुशांत ने रिया के खाते में 5,000 रुपए डाले थे। रिया के लिए सुशांत ने जो पैसे खर्च किए उनमें ब्यूटी पार्लर, एयर टिकट, स्पा, शॉपिंग जैसे सामान्य खर्च ही थे। जाहिर है सुशांत की फैमिली और उनके वकील रिया पर जो इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने सुशांत के करोड़ों रुपए हड़प लिए, सुशांत के खातों के फॉरेंसिक ऑडिट में सीबीआई को इसके सबूत नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो पैसे खर्च किए वो किसी भी बॉयफ्रेंड का अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर किया जाने वाला सामान्य खर्च है। इसे शाही खर्च या फिर पैसे लूटने वाला नहीं बताया जा सकता और रिया चक्रवर्ती भी लगातार अपने बचाव में यही कहती नजर आई हैं। देखिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत का जो स्पेंडिंग हैबिट बड़ी थी और किंगली लाइफस्टाइल था उसका और अपने गर्लफ्रेंड्स को उसी तरह वो ट्रीट करता था तो आदमी अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसको। यानी सीबीआई ने एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट को जांचा जो पूरी तरह ऑथेंटिक है। सीबीआई ने सुशांत के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जहां उसे मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सुशांत के बैंक खातों का फॉरेंसिक ऑडिट किया जिसमें उसे कोई गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन सुशांत के फैमिली लॉयर विकास सिंह एम्स की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। पहले सुशांत की फैमिली को मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था और अब वो सीबीआई की फाइंडिंग्स से संतुष्ट नहीं है। हमारा निष्पक्ष जांच हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है, और हम निष्पक्ष जांच कराने के लिए जो जो हमको स्टेप लेना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इस निष्पक्ष जांच के लिए और एक प्रॉपर फॉरेंसिक टीम के गठन करने के लिए। इसलिए इसमें सीबीआई तो एक पहला कदम है हमारे तरफ से। अगर सीबीआई के पहले इस कदम पे अगर सीबीआई अगर इस पे एक्शन नहीं लेती है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे इसको लेकर के कि इसमें एक दोबारा टीम कोर्ट द्वारा करवाया जाए कि इसमें गठन की जाए जो कि एक फॉरेंसिक प्रॉपर इंडिपेंडेंट टीम इसमें बनाई जाए। इसमें इस केस में सीबीआई ने ना तो अभी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है और ना ही चार्जशीट दाखिल की है। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद भी सीबीआई ने यही बयान दिया था कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, किसी भी एंगल को नकारा नहीं गया है। लेकिन सुसाइड का मामला कंक्लूजन रिपोर्ट आने के बाद इसकी वजह पता लगाने के लिए बॉलीवुड में नेपोटिज्म और बॉलीवुड में करियर चैलेंज को लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 306 यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने की जांच लगातार चलती रहेगी।